तो दोस्तों आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स ला परिवार में, क्योंकि सिर्फ चैनल नहीं परिवार है हमारा। और दोस्तों आज की वीडियो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल क्रेटीन इतना ट्रेंड में चल रहा है, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं क्रेटीन को लेकर। तो भैया एक क्वेश्चन जो मोस्ट कॉमन आ रहा है वो आ रहा है कि क्या वे प्रोटीन के साथ क्रेटीन लेना जरूरी है? क्या अगर हम वे प्रोटीन लेते हैं तो बिना क्रेटीन के काम चल जाएगा? क्या वे प्रोटीन के साथ अगर हम क्रेटीन मिलाकर ले लेते हैं तो वो हमारा वजन तो नहीं बढ़ा देगा? तो वे प्रोटीन के साथ क्रेटीन का कॉम्बिनेशन लेना ठीक है नहीं है, इसको लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं। बिगिनर्स बहुत ज्यादा इस सवाल को पूछ रहे हैं, क्योंकि आजकल जिम में वे प्रोटीन लोग कम ले रहे हैं, क्रेटीन हर कोई ले रहा है, क्योंकि क्रेटीन सस्ता आता है तो सोच रहे हैं क्रेटीन ही ले लें। यार भाई मैं इसको लेकर एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो देख लो, जिसमें मैंने समझाया है बताया है कि भैया क्रेटीन कब कैसे और क्यों लेना चाहिए। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, चल भी रही है साइड में और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी ये वीडियो है कि आप वे प्रोटीन के साथ क्रेटीन ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको समझना होगा कि वे प्रोटीन का काम क्या होता है, क्रेटीन का काम क्या होता है। चिंता मत करो, रील्स का जमाना है, शॉर्ट्स का जमाना है, लॉन्ग वीडियोज में लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम हो चुका है, इसलिए भैया मैं फटाफट बताऊंगा, चिंता मत करो कतई भी। इसलिए फॉरवर्ड मत करना वीडियो को, फास्ट फॉरवर्ड, पता लगे मेन पॉइंट निकल गया, ठीक है? तो भैया वे प्रोटीन जो कि दूध से बनता है और जिसका काम होता है हमारी मसल्स बिल्डिंग करना, मसल्स की टूट फूट को रिपेयर करना, मरम्मत करना उसकी, वे प्रोटीन हमारी मसल ग्रोथ में हेल्प करता है, वे प्रोटीन हमारे शरीर में थकावट दूर करता है। जो आप कहते हैं ना कि जिम गया मैं, जिम से क्या है कि मसल पेन हो गया, तो उसमें बहुत बड़ी हेल्प करता है वो, क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन है मसल्स बिल्डिंग से। तो वे प्रोटीन का काम तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं क्रेटीन की, क्रेटीन क्या काम करता है। तो दोस्तों क्रेटीन बहुत अच्छा सप्लीमेंट है और बहुत सस्ता सप्लीमेंट है और कोई भी इसे यूज कर सकता है, पर क्रेटीन उसी को लेना चाहिए जिसका स्पेसिफिक गोल है स्ट्रेंथ गेनिंग करना, जिसका गोल है अपनी फिजिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज करना, मसल्स को हाइड्रेट रखना, तो वो क्रेटीन ले। वे प्रोटीन के साथ क्रेटीन लेना जरूरी कतई भी नहीं है। अगर आपकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी अच्छी है या आप अपनी कैपेसिटी से इनफ, मतलब कैपेसिटी के अकॉर्डिंग या कैपेसिटी से थोड़ा ज्यादा कम वेट लिफ्ट कर पा रहे हैं और अभी आपका स्पेसिफिक गोल है कि भैया मेरी मसल्स बिल्डिंग हो जाए, या अगर आप बिगिनर हैं और आप चाहते हैं मसल्स बिल्डिंग करना, तो आपको क्रेटीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर क्रेटीन जो है आपके लिए यूजलेस है। पर हाँ अगर आप वे प्रोटीन तो ले रहे हो मसल बिल्डिंग के लिए, पर क्रेटीन इसलिए लेना चाहते हो ताकि फिजिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए, इसलिए नहीं कि ये सस्ता आता है इसलिए मैं इसको ऐड कर लूं, या फिर वे प्रोटीन की जगह क्रेटीन ले लूं वे प्रोटीन जैसा काम हो जाएगा, तो ये कतई नहीं होगा। एक चीज समझ लो ध्यान से, हमारा जो बेस है वो वे प्रोटीन है, मतलब वे प्रोटीन का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी मसल्स बिल्डिंग से। अगर आप क्रेटीन लेते हैं चाहे कितना भी ले लो, वो प्रोटीन का काम नहीं करेगा या वे प्रोटीन की जगह नहीं ले सकता, आपकी मसल्स बिल्डिंग में डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करेगा, इनडायरेक्ट रोल प्ले करेगा, और इनडायरेक्ट भी कब करेगा, जब आपका प्रोटीन इनटेक आपका कंप्लीट होगा। तो इसलिए अगर आपको बजट की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका गोल नहीं है कि भाई मेरे को स्ट्रेंथ गेन हो जाए, फिजिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अच्छा फिजिकल परफॉर्म कर रहे हैं, इनफ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको वे प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, आप क्रेटीन कतई ना लें। बाकी अगर आप वे प्रोटीन के साथ क्रेटीन लेते हैं तो वो कॉम्बिनेशन भी खराब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे आते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी क्रेटीन होता है, जैसे यहां पर पावर प्रो रखा हुआ है, ये जो है 30 ग्राम प्रोटीन है, इसके अंदर क्रेटीन भी है, जैसे नाइट्रोटेक रखा हुआ है जिसके अंदर क्रेटीन भी है, जैसे आरसी प्रोएंटियम आता है उसके अंदर क्रेटीन है, नाइट्रोवे आता है उसके अंदर क्रेटीन है, तो ले सकते हो। और अगर वे प्रोटीन के अंदर क्रेटीन आप ले रहे हैं या वे प्रोटीन के साथ क्रेटीन आप ले रहे हैं, चाहे आगे चाहे पीछे चाहे साथ में, तो आपका वेट इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि क्रेटीन वेट नहीं बढ़ाता है। हाँ टेम्परेरी आपका एक आध किलो ऊपर नीचे हो सकता है, कैसे, क्योंकि ये मसल्स को हाइड्रेट करता है, तो जब मसल्स को हाइड्रेट करेगा तो बॉडी को एक्स्ट्रा पानी होल्ड करने की जरूरत होती है, तो इसलिए क्रेटीन से एक आधा किलो का फर्क पड़ सकता है। पर ऐसा नहीं है कि क्रेटीन आपने वे प्रोटीन के साथ लिया या क्रेटीन आप वैसे ही ले रहे हो तो आपका वजन बढ़ जाएगा 5 किलो, बिल्कुल भी नहीं है। पर हाँ क्रेटीन आपको सिर्फ तभी लेना है जब आपको क्रेटीन की जरूरत है, अगर आपको क्रेटीन की जरूरत नहीं है तो आप क्रेटीन मत लीजिए, प्रोटीन ही लीजिए, प्रोटीन के बिना क्रेटीन इतना यूजफुल नहीं है।
पर हाँ क्रिएटिन के बिना प्रोटीन 100% यूजफुल है, तो ये चीज आप ध्यान रखो। बाकी स्पेसिफिक आप जो है वे प्रोटीन के साथ कंपल्शन नहीं है कि आपको क्रिएटिन लेना ही लेना है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया अब मैं तो वे प्रोटीन ले रहा हूं मसल बिल्डिंग के लिए, अब मैंने किसी से सुन लिया है, किसी ने मुझे बोल दिया है कि भैया वे प्रोटीन ले तो क्रिएटिन जरूर लियो वरना रिजल्ट नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है यार। प्रोटीन अपना रिजल्ट देगा, क्रिएटिन अपना काम करेगा, दोनों का अलग अलग काम है और दोनों ही अच्छे सप्लीमेंट हैं। वे प्रोटीन थोड़ा महंगा सप्लीमेंट है, क्रिएटिन थोड़ा सस्ता सप्लीमेंट है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और एक और चीज़, जो बिगिनर होते हैं जिन्होंने अभी अभी जिम जाना स्टार्ट किया है, महीने दो महीने तीन महीने हुए हैं, उनको क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए। क्रिएटिन को हमें लेना चाहिए कम से कम एटलीस्ट आपकी मतलब या 50-60 किलो आप बेंच प्रेस मार दो, आप जो है 15-20 किलो का डंबल उठाने लगो, समझ रहे हो ना, इस लेवल पे आप जब आप पहुंच जाओ, इस लेवल पे पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपने अभी आज ही जिंदगी में पहली बार जिम ज्वाइन किया है और आप सोच रहे हो कि मैं 60-70 किलो की बेंच प्रेस अगले महीने ही मारने लगूंगा, तो वो नहीं लगेगी आप पर, क्योंकि एक महीना तो आपको सीखने में लगेगा। जब आप एक्सरसाइज को सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, शेड्यूल बना रहे हैं, तो उस वाली कंडीशन में क्रिएटिन लेने का इतना फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक स्पेसिफिक लेवल पर मेरा मानना है कि कम से कम जब तक आपको एटलीस्ट 6 महीने ना हो जाए जिम जाते हुए, तब तक आपको क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए। और बाकी क्रिएटिन कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी इसका जो है नुकसान बॉडी पर नहीं है, बस ओरिजिनल क्रिएटिन लेना है, प्योर क्रिएटिन लेना है, क्योंकि क्रिएटिन अब ट्रेंड में है, तो इसलिए बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो क्रिएटिन को बेच रही हैं बहुत ही कम दामों पर। और भैया बता रहा हूं मैं आपको, वो प्योर क्रिएटिन नहीं है, मिलावटी क्रिएटिन है। इसलिए सस्ता क्रिएटिन मत लीजिए, ओरिजिनल प्योर क्रिएटिन लीजिए सप्लीमेंट सलाह से, चाहे GNC लीजिए, स्टारक्स लीजिए, लबराड़ा लीजिए, चाहे मसल टेक लीजिए, तो ओरिजिनल लीजिए सप्लीमेंट सलाह से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि वे प्रोटीन के साथ क्रिएटिन का लेना कोई कंपल्शन नहीं है, पर अगर ले लेते हो तो एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिल जाएंगे, वो भी तब जब आप उस लेवल पर हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट पाने के, तभी बात बनेगी, वरना क्या बात बनेगी। तो समझ गए आप, तो ओरिजिनल वे प्रोटीन आपको चाहिए, ओरिजिनल क्रिएटिन आपको चाहिए, तो ऑर्डर करो सप्लीमेंट सलाह से। सप्लीमेंट सलाह के देखो कितने सारे आउटलेट्स हैं, जो नजदीकी आउटलेट है वहां पर विजिट करो, सारे आउटलेट्स आपके अपने, फ्रेंचाइजी वाले नहीं है, और ऑनलाइन कोरियर सर्विस ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉल करके अपना ऑर्डर बुक कराओ या supplementsala.com विजिट करो, वहां पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ऑर्डर करो वे प्रोटीन या क्रिएटिन या दोनों, कहां से, सिर्फ सप्लीमेंट्स विला से। अगली बार मुलाकात होगी नए टॉपिक को लेकर, बाकी क्रिएटिन को लेकर कोई सवाल है तो पूछो, मैं फिर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। नमस्कार।